बिसम रहीम ये जो अभी शहबाज शरीफ का बयान आया है उससे पहले मौलाना फजल रहमान का बयान आया है मरियम का बयान आया है औरों का भी आ जाएगा क्योंकि ऐसे जब कोऑर्डिनेटेड बयान आते हैं तो मिल के ही आते सब पेशावर कोर्ट को और उस जज को अटैक कर रहे जिसने फैसला दिया बैट के सिंबल को रिस्टोर करने का इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि फ़िलहाल बैट के सिंबल का खौफ बहुत ज़्यादा है वैसे देखना चाहिए कि ये अटैक कर कौन रहा है पीएमएलएन की एक तारीख है जुडिशरी के साथ उन्नीस में चमक का इस्तेमाल किया हम नहीं कह रहे पीपल्स पार्टी ने कहा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा चमक का इस्तेमाल किया अपनी गवर्नमेंट को रिस्टोर करने के लिए जो करप्शन के लिए बाय फेंकी गई थी उन्नीस सौ सतानवे में जब जस्टिस सदार सजाद अली शाह ने नवाज शरीफ की बात नहीं सुनी तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया उन्नीस में बेनजीर भुट्टो को पनिशमेंट देने के लिए शहबाज शरीफ और जस्टिस के युम की बातें रिकॉर्ड पे हैं। तो यह सिलसिला तो चलता जा रहा है उन्होंने अपने चमक वाले जजेस को फिर रिवॉर्ड भी किया प्रेसिडेंसी दे के मौलाना साहब शायद सतानवे से इंस्पायर होके मई 2023 में उन्होंने अपने जत्थे सुप्रीम कोर्ट भेज दिए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतबा नवे दिन में होने चाहिए तो उस वक्त से यह सुप्रीम कोर्ट पे अटैक्स शुरू हुए जब खान साहब पे फेक केसेस शुरू हो गए तो उस वक्त से ये अटैक्स शुरू हो गए जब भी खान साहब को रिलीफ नहीं इंसाफ मिलता था पिछले डेढ़ साल में पीडीएम की हुकूमत और फिर उनकी जो ये एक्सटेंशन है जहां पे भी मुमकिन था उन्होंने कोर्ट्स की ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन ही करना जो है वो जरूरी नहीं समझी सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से इमरान खान को और बैट को हटाना था उसके बावजूद फरवरी आठ को अभी ही दिन रहते हैं और इमरान खान और बैट जितनी मजबूत पोजिशन में है वो शायद तारीख में नहीं थे तो इसलिए आज इतनी तकलीफ कि इलेक्शन में इनके फेवर में अनफ्री और अनफेयर मुकाबला हो तब भी इन्हें पता है कि ये नहीं जीत सकते तो शहबाज शरीफ भी रो रहा है मरियम नवाज शरीफ भी रो रही है मौलाना फजरा मान भी रो रहा है और कोर्ट्स पे ये हमले देखिए हमारी तो जजेस सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन है कि वो इंसाफ देंगे ना कम ना ज्यादा लेकिन जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा है वो भी सबके सामने है और ये कि बाकी सब तो सही आठ फरवरी भी गुजर जाएगा और इनशाला पी टी आई का वोटर इमरान खान को ही वोट देगा लेकिन याद रखें जब आप उन इदारों को अटैक करते हैं जिन्होंने मुल्क बनाना होता है जैसे हमारी जुडिशरी तो नुकसान मुल्क को ही होता है और जो नुकसान इन अटैक्स की वजह से हो रहा है उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान और ये सारे जो आप ये कर रहे हैं उनके जिम्मेदार आप हैं थैंक यू